हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लॉगिन फॉर्म बनाना सीखेंगे। चलिए आइए समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना है आपको, और जैसे ही आप ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया सिनेरियो नजर आता है। यहाँ पर क्रिएट का बटन आपको दिखता है, तो यहाँ पर क्रिएट पे आप क्लिक कर दीजिए। सिंपली जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो आपके सामने आएगा। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पर आपको व्यू पे चले जाना है और यहाँ टेबल वन आ रहा है, चलिए टेबल वन ही रखता हूँ मैं और यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ हम लिख देते हैं लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको भी लिख देना है नेम ऑफ स्टूडेंट, और नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने के बाद आपको यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट रखना है, ठीक है। यहाँ पे रखना है फादर्स नेम, तो यहाँ पे लिख दीजिए नेम ऑफ फादर या फादर्स नेम कर दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ नेम ऑफ फादर, ठीक है, तो इस स्टूडेंट के फादर का नेम आ जाएगा। और फिर अगर आप चाहते हैं मदर का नेम वगैरह तो वो चीज़ें भी नीचे दे सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट की सिटी यहाँ पे कर देता हूँ, और सिटी करने के बाद यहाँ पर चाहे तो ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हैं आप, फिलहाल सिटी रखता हूँ। और यहाँ पर क्या करते हैं हम स्टेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी स्टूडेंट की जो हम यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सिनेरियो आ गया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट पे सपोज कीजिए लिख दिया राम हमने, ठीक है, और यहाँ फादर्स नेम में लिख दिया लाइक अवनीश कुमार, तो ये अवनीश लिख दिया और यहाँ लिख देता हूँ कुमार। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। सिटी मान लीजिए हम देवरिया के रहने वाले हैं, तो ये लिख दिया मैंने देवरिया, और देवरिया के बाद यहाँ पे स्टेट यूपी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने कर दिया है और यहाँ पर इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसके लिए हम फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे जा करके, और फिर यहाँ से जा करके आप फॉर्म विजार्ड पे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं, आप खुद से फॉर्म पूरा डिजाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फॉर्म विजार्ड पे जा करके और यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता हूँ। ये हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। कॉलम और फॉर्म में डेटा को रखना है, डिज़ाइन में मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई डिज़ाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ऊपर चीज़ें दिख नहीं रही हैं और थोड़ी बहुत और दिक्कत है, तो वो सारी दिक्कत अभी सॉल्व होगी। पहले आज का टॉपिक है हमारा कि हम बनाना चाहते हैं लॉग इन फॉर्म, ठीक है, वो कैसे बनेगा। तो ये टेबल वन के नाम से आ रहा है, इसे मैं फॉर्म वन कर देता हूँ। यहाँ से इसका नाम चेंज करेंगे। नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको सेव करना ज़रूरी है और सेव करके क्लोज करना ज़रूरी है। ये क्लोज कर दिया और फिर यहाँ रीनेम पे जा करके इसे मैं कर देता हूँ फॉर्म वन। तो ये लिख दिया मैंने फॉर्म वन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका नाम हमने दे दिया है फॉर्म वन। अब यहाँ क्रिएट पे वापस जाना है और एक और फॉर्म हमें बनाना है, ठीक है। तो एक और फॉर्म बनाने के लिए चाहे तो हम फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये फॉर्म डिज़ाइन पे आ गए हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेना है हमें, टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ड्रैग करवाइए, ठीक है। जब ड्रैग करवाएंगे तो ये अनबाउंड इस तरह से कैसे करके आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद इसको हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ पे लिख दीजिए यूज़र नेम, ठीक है, ये लिख दिया हमने यूज़र नेम, ठीक है। और फिर यूज़र नेम हम दे रहे हैं, लेकिन इसके भी पहले हमें टेबल भी डिज़ाइन करना होगा। क्यों टेबल डिज़ाइन करना होगा उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि ये तो आपका फॉर्म है, ये तो आपका सॉफ्टवेयर है जो खुलेगा, ठीक है। ये जो आपने फॉर्म बनाया ये आपका मेन सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन डेमो के लिए मैंने इसको छोटा ही रखा है, ठीक है। तो अभी हमें एक जो टेबल है वो इसलिए बनानी है क्योंकि हमें यूज़र फॉर्म बनाना है। तो यहाँ टेबल पे चल करके और यहाँ से डायरेक्टली मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टेबल टू आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा टेबल टू। यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूज़र यूज़र आई डी, ठीक है। और यूज़र आई डी को चाहे तो आप शॉर्ट टेक्स्ट रखिए या कुछ भी रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर कर देता हूँ पासवर्ड, तो ये लिख दिया हमने पासवर्ड, ठीक है, ये पासवर्ड लिख दिया हमने। और पासवर्ड लिखने के बाद हमें क्या करना है, चाहे तो इसे इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी इनक्रिप्ट नहीं करता मैं, यहाँ से आकर के इसको नंबर रखता हूँ। और नंबर रखने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, ये क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसमें यूज़र आईडी हमें डालनी है, यूज़र आईडी मान लीजिए है एस यू आर ए जे सूरज, और पासवर्ड है 12345, ठीक है, तो ये डाल दिया हमने, क्लियर। अब यूज़र आईडी टू है श्याम, ठीक है, और श्याम के बाद पासवर्ड है इनका 67890, ठीक है, दोनों ही हमने कर दिया, इसको सेव कर लिया।
अब सेव करने के बाद अब हमें फॉर्म बनाना है, तो फिर यहां जाकर के फॉर्म डिजाइन पे जाना है। यहां पे देखेंगे शो ऑल टेबल्स, तो ये नजर आएंगी, ठीक है। टेबल 2 से हमें डेटा उठाना है क्योंकि हमें इसी को लेके आना है यहां पे, ये आ गया, और फिर इसको भी लेके आ जाएंगे, ये आ गया, दोनों ही चीजें आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यहां से इसको खींच करके बड़ा कर लीजिएगा, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी शीट पर जाइएगा तो ये सब दिखेगा। तो यहां पर जाइए और यहां से देखिए फॉन्ट की साइज होगी, तो यहां फॉन्ट की साइज 11 दिखा रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो यहां से 12 13 14 15 जितना भी चाहे आप कर सकते हैं, तो ये 15 किया मैंने, ठीक है, देखिए साइज बड़ी होगी। फिर यहां पर क्या करिए, इसको खींच के बड़ा करिए, बड़ा हो गया, इसको भी हमें देखना होगा, लेकिन इसके पहले पहले इसको देख लेते हैं। तो यहां पर इसकी भी साइज हम 15 कर देते हैं, 15 कर दिया हमने, ठीक है, तो ये भी बड़ा दिखेगा। तो अब थोड़ा सा इसमें भी परिवर्तन करना होगा, थोड़ा सा इसको भी खींच खाच करके बड़ा कर लीजिए, ये हो गया काम आसान। यहां पर जाएंगे और यहां पर जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से लाइक देखिए ये हो गया। अब इसको भी हम चाहे तो बड़ा छोटा कर सकते हैं, अब इसको एक नाम भी हम दे सकते हैं, ठीक है, ये अनबाउंड है, तो यहां पर जाकर के आप चाहे तो नाम भी दे सकते हैं इसके लिए। नाम कैसे देंगे, जैसे यहां पे यूजर आईडी दिख रही है, ठीक है, तो आपको जब आप कोडिंग करेंगे तो उस वक्त आपको यूजर आईडी ही देनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको यहां पासवर्ड दिख रहा है तो आपको कोडिंग करते वक्त पासवर्ड ही देना होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहां पर जाना है बटन पर और यहां पर इसको ड्रैग करवाइएगा, ड्रैग करवाइएगा तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कमांड 2 आ रहा है, कमांड 2 हटा देता हूं। और यहां पर हमें कुछ चीजें लिखनी है, जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं लॉग इन, ठीक है, तो ये लॉग इन आपका पैनल हो जाएगा और यहां से आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा और थोड़ा सा साइज बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे साइज, साइज बढ़ाना बहुत आसान है, यहाँ पे 11 दिया हुआ है साइज, मैं इसको कर देता हूँ 16, ठीक है, थोड़ा सा इससे बड़ा रखूंगा, तो ये हो गया। और इसको चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं, तो इसमें बोल्ड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जाकर के बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर भी जाके बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से भी होम टैब से भी आप बोल्ड इसको कर सकते हैं, तो ये देखिए बोल्ड हो गया, ठीक है, आप इसमें भी जाकर के ये देखिए दिया हुआ है बोल्ड, तो यहाँ से भी आप बोल्ड कर सकते थे, ठीक है। तो ये इतना काम तो हो गया हमारा, अब आगे हमें क्या करना है वो समझना है, ठीक है। तो अब हमें आगे इसकी कोडिंग करनी है, कैसे करनी है, यहां पर राइट क्लिक करना है और बिल्ड इवेंट पे चलना है, ये जो बिल्ड इवेंट दिख रहा है आपको यहीं पे जाना है, कोड बिल्डर पे आना है, कोड बिल्डर पे आ गए हम लोग, ये आ गए कोड बिल्डर पे। अब यहां पर कोडिंग करनी है थोड़ी सी हमको, क्या कोडिंग करनी है मैं आपको बताता हूं, इसको यहां से नीचे कर देते हैं और यहां पर हम कोडिंग लिखने वाले हैं, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। सबसे पहले आपको लिखना है यहां इफ, ठीक है, और हमने क्या नाम दिया है, ये नाम देखिए आप, इस नाम को ही आपको देना है यहां पर भी। तो ये देखिए यहां पर आते हैं ना, तो यहां पर देखेंगे आप कि यहां पर पासवर्ड के लिए जो नाम हमने दिया है, पासवर्ड दिया है, पूरा पूरा पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको यही देना है, ठीक है, तो पासवर्ड ही देना है आपको। तो यहां पर इफ लिखने के बाद आप लिखिएगा सिंपली पासवर्ड, ठीक है, तो ये लिखिए PASWORD, तो ये लिख दिया पासवर्ड, इज इक्वल टू करना है और यहां लगाना है डी लुकअप, तो यहां लगा दिया मैंने डी लुकअप, ठीक है। अब डी लुकअप के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं या कमेंट करिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पासवर्ड, और पासवर्ड लिखने के बाद डबल इंटेड कोट्स को क्लोज कीजिए, कॉमा दीजिए, एक ही लगाना है आपको, फिर इसको डबल इंटेड कोट्स को लगा देना है इस तरीके से। फिर यहां लिखना है एंड, यानी एम्परसेंट का साइन लगाना है, और स्क्वायर ब्रैकेट बना करके इसमें लिखना है यूजर आईडी, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है, क्योंकि यहां पर भी तो आपने यूजर आईडी ही दिया है, ये देखिए यहां पर यूजर आईडी दिया गया है, ये देखिए ये है ना यूजर आईडी, तो इसीलिए मैं यहां पर भी यूजर आईडी ही लिख रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूजर आईडी लिखने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद
तो बस हमारा काम हो गया है और अब इस पे डबल क्लिक मैं करता हूं तो यहां देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो बस यहां से लॉगिन करिए और आप अपने फॉर्म में लॉगिन हो जाएंगे। इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर ये चीज आपने गलत कर दी, ठीक है, देखिए यहां पर मैं करता हूं कुछ और लिख देता हूं, कुछ और इस तरीके से टाइप कर देता हूं और पासवर्ड, तो यहां पे देखिए ये एरर आएगी, एरर यूजर नेम और पासवर्ड। तो इस तरीके से आप लॉगिन फॉर्म एक तरीके का बना सकते हैं। ये एक डेमो वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जैसे नजर आएगा। और जैसे ही आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो ये तो एरर हो जा रहा है, ये तो लॉगिन करेगा ही नहीं। तो अगर आप सही यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने SURAJ सूरज और फिर यहाँ पासवर्ड जो है राइट अगर डालते हैं तो आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। एरर देखिए अभी भी एरर दे रहा है, डबल क्लिक करके फिर ओपन करता हूँ। तो अगर आप लॉगिन करते हैं तो देखिए ये लॉगिन हो गया, ठीक है, ये लॉगिन हो गया। और अगर कुछ और आपने दे रखा है, लाइक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर टू में जाना है आपको, यहाँ पर तो दूसरा रिकॉर्ड है ही नहीं, एक ही रिकॉर्ड दिया हुआ है, तो आपको राम ही देना होगा यूजर आईडी में, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूजर आईडी वाला बना सकते हैं। ये डेमो वीडियो थी, अगर पसंद आएगी तो आगे इस पर डिटेल में वीडियो क्रिएट करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।